आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन मीन्स द प्रोसेस इन विच सम केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, और वी कैन से अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। These are unbalanced equation, which is also known as the skeletal equation, in which number of atoms in reactant is not equal to number of atoms in product. For example, अगर मैं कोई equation लिखती हूँ H2 plus O2 forming H2O, ठीक है, ये एक simple equation represent है, पर ये balance नहीं है। कैसे? क्योंकि right hand side पे hydrogen के 2 atoms हैं, यहाँ पे भी 2 atoms हैं, but यहाँ पे oxygen के 2 हैं and oxygen का 1 है, तो ओवरऑल ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। हम इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं एंड स्केलेटल इक्वेशन भी। नाउ फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 फॉर्मिंग NH3, ठीक है, अब दोनों ही एटम इसमें बैलेंस्ड नहीं है दोनों ही साइड, सो इट इज़ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एंड द बैलेंस्ड इक्वेशन इज वन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस CO2 फॉर्मिंग CaCO3। अब कैल्शियम इस साइड भी 1 है, कार्बन इस साइड दोनों साइड 1 है, ऑक्सीजन इस साइड 2 + 1 = 3, दिस साइड ऑल्सो 3, सो इट इज़ बैलेंस्ड इन बोथ द डायरेक्शन। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको स्केलेटल इक्वेशन दी होगी। स्केलेटल का मतलब हुआ जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें उसे बैलेंस्ड करना होगा, बैलेंस करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट ये होता है कि स्केलेटल ना देके इसको वर्ड फॉर्म में दिया होगा, और वर्ड फॉर्म से पहले हम स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, देन वी बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक हमें वर्ड इक्वेशन गिवन है, दैट इज एक्टिविटी 1.3 जो आपने NCERT में किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम जिंक ग्रैनुल्स को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर अब हमें उसी की इक्वेशन लिखनी है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो सबसे पहले हम इनके सिंबल लिखेंगे। जिंक सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 फॉर्मिंग जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। एंड द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन या गैस, गैस वर्ड जब भी होगा तो हाइड्रोजन कभी भी सिंगल एटम नहीं होता है, वो H2 होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन अगर गैस होता तो N2 होता, अगर ऑक्सीजन गैस बोला जाता तो O2 होता। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करते। वेयर एज मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, आयरन, इन्हें हम सिंगल एटम की तरह यूज़ करेंगे। अब हमें ये चेक करना है ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, सो बेसिकली हमें 3 कॉलम बनाने हैं। पहला हमने लिखना है एलिमेंट, ठीक है, देन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल जिंक एलिमेंट अगर हम लें फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक एलिमेंट कितना है? 1। राइट हैंड साइड पे 1, तो ये ऑलरेडी जिंक बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन H की, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड ऑल्सो 2। देन हम देखेंगे सल्फर, सल्फर हेयर 1, हेयर ऑल्सो इट इज 1, ऑक्सीजन हेयर 4 एंड दिस साइड ऑल्सो 4। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमें कभी भी कोई इक्वेशन देखनी है तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं एलिमेंट, उनके नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे और उन्हीं के नंबर राइट हैंड साइड पे, फिर कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल हैं देन इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और इक्वल नहीं है देन इट इज अनबैलेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्टिविटी की है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो वॉट हैपेंड? मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये इसकी एक वर्ड इक्वेशन बनेगी, एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी इसी इससे पहले जो वीडियोस थी वहाँ हमने डिस्कस किया हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें डेजलिंग वाइट फ्लेम ऑब्टेंड होता है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि मेटल सिंगल एलिमेंट की तरह हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम, दैट इज Mg, बट हाँ ऑक्सीजन हम कभी भी सिंगल नहीं लिखेंगे, इट इज़ एन डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 एंड इट इज़ फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड
ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब हम अगेन चेक करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड, सो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट इन बोथ द केस इट इज़ एम जी एंड ओ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितना है 1, राइट हैंड साइड पे भी इट इज़ ऑल्सो 1, बट ऑक्सीजन हेयर इट इज़ 2 बट हेयर इट इज़ 1, ठीक है। तो अब अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होगा, तो 2 अगर करना है तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा, 2 हम कभी भी नीचे नहीं कर सकते, हमें नंबर ऑफ एटम्स पहले स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो अब जो चेंज करके हम इक्वेशन लिखेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, एम जी ओ बाय 2, ठीक है। अब जैसे ही हमने एम जी ओ को 2 से किया, अब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, चेंज कैसे, अब मैग्नीशियम ऑन राइट हैंड साइड इज 2, चेंज होके कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 2, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, ठीक है, बट मैग्नीशियम नहीं हुआ, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही है, तो उसे बैलेंस करने के लिए अब हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, सेम हो गए। सो ये प्रैक्टिस, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना इजीली ये समझ आता जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट है इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन से इक्वेशन फ्रेम करना, फिर ये चेक करना कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे भी डेफिशिएंसी है उस साइड को उतने नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ही आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी इक्वेशन में चेंज आएगा, उस चेंज को भी फिर चेंज करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन, वॉट हैपेंड वेन स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन, इट इज फॉर्मिंग Fe3O4+H2, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों चैप्टर में ये यूज होता है, मेटल एंड नॉन मेटल्स में चैप्टर में क्वेश्चन है, वॉट हैपेंड वेन स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन, इट इज फॉर्मिंग Fe3O4, ठीक है। तो अभी हम इसकी बैलेंसिंग देखेंगे, बैलेंसिंग में सबसे पहले एटम्स कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में, एलिमेंट्स जो हैं, तो एलिमेंट्स आर Fe, H and O। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इनके कितने कितने एटम्स हैं, Fe दिस साइड 1, दिस साइड 3, ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। इनिशियली आपको ये सब फ्रेम करने की ज़रूरत है, जब आप एक बारी इसमें हैंडी हो जाएंगे आप इजीली इक्वेशंस को बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस के लिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, हाइड्रोजन इस साइड 2 है, दिस साइड ऑल्सो 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, दिस साइड 4, ठीक है। अब अगर हम बैलेंस देखें तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है बट बाकी दोनों एलिमेंट बैलेंस नहीं है, ईजिली किसको हम चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आयरन एटम को, ठीक है। कभी भी जब हमें ऐसे इक्वेशन आनी है, मिक्स्ड इक्वेशन है जिसमें कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और हमारे पास ऑप्शन है एलिमेंट को पहले बैलेंस करने की, तो हम हमेशा एलिमेंट को पहले करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो Fe अगर हमने 3 किया है तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको 3 बनाना है, तो 3 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 Fe, अब ये चेंज होके बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिस साइड 4 और यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। अब 1 को 4 इजीली हम कर सकते हैं बाय एडिंग 4 दिस साइड, ठीक है। तो जैसे ही हमने 4 किया ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बट नाउ हाइड्रोजन चेंज, हाइड्रोजन कैसे चेंज हुआ, 4 to the 8, तो अब न्यू हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 8 और इस साइड पे कितने हैं 2, तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब न्यू कितने हो गए 8, तो अब आप बैलेंस ग्रीन वाले देखिए 3 and 3, 8 and 8, 4 and 4, तो अब तीनों ही बैलेंस हो गए, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब हमने ये इक्वेशन देखी तो इसमें दोनों हाइड्रोजन के अलावा सभी अनबैलेंस थे, तो सबसे पहले हमने आयरन को बैलेंस किया, जितने एटम्स यहाँ थे वहाँ इतने लगा दिए हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 3, 3 करते ही ये बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट पार्ट था हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इसे किसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 है यहाँ 1, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4 करते ही ये बैलेंस्ड हो गया। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया हाइड्रोजन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो 8 अगर इस साइड हुए तो हमें यहाँ 8 करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से।
सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है वो चेंज नहीं हो सकता, वो ज़रूर चेंज हो सकता है जब हम स्टेप फॉलो करते हैं, तो विद टाइम वो चेंज होते जाते हैं। इसी वीडियो में हम एनसीईआरटी के सभी बैलेंसिंग इक्वेशन जो गिवन है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एक वर्ड इक्वेशन आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन कभी भी एच एग्जिस्ट नहीं करता, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, एच टू, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करेगा, सी एल टू, और फॉर्म क्या कर लेगा, एच सी एल, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स एच और सी एल के दो बोथ साइड अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू है, यहाँ पे सी एल टू है, यहाँ हाइड्रोजन वन है, यहाँ सी एल वन है, तो ये इजीली बैलेंस हो सकता है, हमें दोनों को टू ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सी एल भी क्या है, वन, तो अब हमें दोनों को बैलेंस करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे ओनली टू हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही हमने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, अब जो नए नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो हाइड्रोजन भी टू हो गया, सी एल भी टू हो गया, दोनों ही बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। 99% यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं वैलेंसी या फॉर्मूला लिखने में, फॉर्मूला ही आप नहीं लिख पाते हो कि बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, BaCl बनेगा या BaCl2 बनेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लास नाइन्थ का आपको ये अगर टेबल याद नहीं है तो आप इसे साइड बाय साइड लर्न करें, ठीक है। इसमें बहुत वैलेंसीज इम्पॉर्टेंट हैं कुछ एलिमेंट्स की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ बेरियम विच इज़ 2+, ठीक है। जिंक की आपको याद रखना है, Zn2+ होता है, लेड Pb2+, ठीक है। Al तो खैर आप वैलेंसी से लर्न कर ही लेंगे, ये एक डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि नहीं गिवन होते, Cu2+ एंड 1+, देन Fe2+ भी होता है एंड Fe3+ भी होता है, तो कुछ इक्वेशंस के हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे, बट आपको ये लर्न वैलेंसीज अगर होंगी, चार्जेस होंगे, तभी आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को इजीली और अच्छे से कर पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इक्वेशन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम की जैसे मैंने अभी आपको बताया वैलेंसी टू होती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका BaCl2, ठीक है। देन एल्यूमिनियम सल्फेट Al, वी नो दैट वैलेंसी 3, सल्फेट SO4 2-, तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 3। ये आपने क्लास नाइन्थ में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। विच फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaSO4। एंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al वैलेंसी 3, क्लोराइड वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला विल बी AlCl3, ठीक है। तो आपको वैलेंसी जो क्लास नाइन्थ की है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चार्जेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वो लर्न होगा तो ईजिली आप इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे। अब अगर हम देखें बेरियम एटम्स अगर हम दोनों साइड के देखें, तो इट इज़ अ बेरियम, देन Cl, देन Al, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। बेरियम बोथ द साइड 1 एंड 1, ठीक है। देन Cl दिस साइड 2, दिस साइड 3, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, इस साइड पे 1 ही है, ठीक है। सल्फेट दिस साइड 3, दिस साइड ओनली 1। ऑक्सीजन 4 3 12, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट ये आया है कि देखो, बेरियम तो चलो दोनों साइड बैलेंस है, बट Cl एक साइड 2 है, दूसरी साइड 3 है, दोनों ही ऑड एंड इवन नंबर है। तब हम क्या करेंगे, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीनिंग यहाँ पे 2 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 करने के लिए हमें इस साइड 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे 3 है उस साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस साइड 2। अब दोनों ही साइड देखिए कितने चेंजेस हो गए, सो चेंजेस के अकॉर्डिंगली अब बेरियम हो गया इस साइड 3 और इस साइड 1 ही है। क्लोरीन दोनों ही साइड 3 to 6, 3 to 6, ठीक है। अब अगर मैं एल्यूमिनियम देखूं तो यहाँ पे 2 है और इस साइड भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया पहले से, ठीक है। सल्फेट बैलेंस नहीं हुआ है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, अब हमें बेरियम को बैलेंस करना है, सल्फेट ऑक्सीजन हम एंड में देखेंगे। बेरियम बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 3 है तो इस साइड भी मुझे सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, और जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, अब पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाउ फॉर एग्जांपल बेरियम 3 हो गया,
ठीक है, सल्फेट यहाँ 3 था S, और यहाँ पे भी 3 हो गया S, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 थी 12, 3 × 4 12, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ हमने सबसे पहले किसको बैलेंस किया है यहाँ पे, Cl को। ठीक है, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये सीखी कि जब भी दोनों साइड ऑड एंड इवन नंबर है, देखो यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है, तब हम इसको अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीनिंग यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करते ही आधी से ज़्यादा इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब 3Ba इधर है और इधर 1Ba है, तो हमने इसको 3 से कर दिया और इक्वेशन बैलेंस हो गई। जैसे कि मैंने बताया, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको लिस्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सिंगल लाइन में ही इसको बैलेंस कर पाएंगे। अब बेरियम क्लोराइड से आपने ये तो लर्न कर लिया कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। ठीक है, अब ये अगर एक एक ही आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजिली नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूले लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हेलोजन फैमिली होती है, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये आप फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हेलोजन फैमिली है, सबकी वैलेंसी 1 होती है। तो अगर Cl की वैलेंसी 1 है, F की वैलेंसी भी 1 होगी, Br की भी, I की भी। तो अगर मैंने बेरियम क्लोराइड BaCl2 लिखा है, तो अगर मुझे बेरियम आयोडाइड लिखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaI2। ठीक है, अगर मुझे फ्लोराइड के साथ लिखना है तो BaF2, अगर ब्रोमाइड के साथ लिखना है तो BaBr2। ठीक है, तो मीनिंग ये हुआ कि एक एलिमेंट या एक कंपाउंड अगर आप याद रखोगे तो आप इजीली बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ फॉर्मूले बना सकते हैं, जो कि आपको क्लास 10th में रिक्वायर्ड है। तो बस याद ये रखना है कि बेरियम कितना होता है, +2, तो आप ऐसे ही किसी के साथ भी उसका फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज़ KCl, ये तो आप सभी को फॉर्मूला पता है। बट अगर जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड आ जाता है, आप फॉर्मूला नहीं लिख पाते हो। पर अभी मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सबकी वैलेंसी एक ही है, -1, इसको हम 1 भी काउंट कर लेते हैं। तो अगर KCl बन रहा है, तो अगर फ्लोरीन के साथ होगा तो ये क्या बनाएगा, KF, Br के साथ होगा तो KBr, और I के साथ होगा तो KI, तो ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड को याद रखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर इक्वेशन है एक जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो बैलेंसिंग से पहले आपको एक सिंपल फॉर्मूला लिखना भी आना चाहिए। अब नाइट्रेट आप अगर नहीं कर पाए तो हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 कंटेन नाइट्रेट इन इट, तो यहाँ पर नाइट्रेट की वैलेंसी हमें पता चल गई, दैट इज़ -1 होती है। ठीक है, 1 के अकॉर्डिंगली इसकी वैलेंसी आ गई। ऐसे ही सिल्वर का कोई कंपाउंड याद करो, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपने डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड AgBr, तो दैट केस आपने लिखा था AgCl, और हमें पता है कि Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो Ag की वैलेंसी भी 1 आ गई। तो बाय दिस यू कैन ईजली राइट द फॉर्मूला AgNO3, मीनिंग आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आप सिंपल जो नोन कंपाउंड है उनसे कंपेयर करके अननोन सॉल्ट्स का या अननोन कंपाउंड का इजीली फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो नोन कंपाउंड है उनके फॉर्मूले को एक बार ही रिमाइंड करना है, उनकी वैलेंसी जब आपको समझ आ जाएगी तब आप इजीली उनको कंपेयर करके उनसे फॉर्मूले बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इक्वेशन है, जो स्केलेटल इक्वेशन आपको गिवन है, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अब ये सब आयोडाइड ब्रोमाइड लिखा है, हमें पता है इनकी वैलेंसी 1 होती है, पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, तो ये KBr बन जाएगा। ठीक है, बेरियम की वैलेंसी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया 2 होता है, और आयोडाइड की वैलेंसी 1 होती है, तो इट विल सेम लाइक BaCl2 की तरह BaI2 हो जाएगा, बेरियम आयोडाइड फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडाइड अगेन KI। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 होती है। अब बेरियम ब्रोमाइड, अगेन ब्रोमाइड और आयोडाइड सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, वैलेंसी सेम होता है, तो अगर BaI2 बनता है तो Br के साथ भी BaBr2 बनेगा। ठीक है, अब हमें बैलेंस करना है। बैलेंस से पहले देखिए पोटेशियम दोनों साइड बैलेंस है, ठीक है, आई यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पे 2 करना है तो सिंपल यहाँ पे हम 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब आई तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बट के अनबैलेंस्ड हो गया, तो के को बैलेंस करने के लिए हमने इस साइड 2 किया,
और जैसे ही हमने के आगे टू लगाया, बी आर भी दोनों साइड बैलेंस्ड हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि बार बार हमें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इक्वेशन इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मिंग जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, ठीक है। अगेन जिंक इज रिप्रेजेंटेड एज ZN, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर, जैसे कि अभी हमने बताया था कि AgCl और KNO3 से आप दोनों की ही वैलेंसी लर्न कर सकते हैं। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा AgNO3, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या कर लेगा, जिंक नाइट्रेट, ZN की वैलेंसी 2 होती है, तो इट इज़ ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर दैट इज Ag, ठीक है। अब हमें सिंपल इसमें बैलेंस्ड NO3 को ट्वाइस करना है, अगर ट्वाइस करना है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, और जैसे ही हमने इसे 2 किया तो अब Ag अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो अब हम Ag को बैलेंस कर देंगे, ठीक है, और इक्वेशन बैलेंस हो गई।